आज का हमारा चैप्टर जो है प्लांट किंगडम, जो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं उसी का हमारा ये पार्ट है जीवाणु। इससे पहले हम लोगों ने शैवाल के बारे में पढ़ा था, एल्गी, और शैवाल को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे, हम लोग थैलोफाइटा के अंतर्गत पढ़ रहे थे। थैलोफाइटा ये आपने दिमाग में रखिएगा, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत है। थैलोफाइटा तो ये मुख्य है, ये जानते रहेंगे हम लोग कि पौधों का वर्गीकरण का जो पहला उपजगत है पौधों का वो क्या है, थैलोफाइटा। उसके बाद एम्ब्रियोफाइटा है हमारा। तो थैलोफाइटा हम लोग शैवाल पढ़े थे पिछली बार, और ये नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्या है, जीवाणु। जीवाणु के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोगों ने शैवाल के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, वहीं से प्रश्न उठेंगे। वैसे हमारा ये जीवाणु है, जीवाणु में जो हमारा ये आप देख रहे हैं पूरा कंटेंट रिमूव किया गया है बोर्ड पे, ये पूरा यहीं से आपको क्या है प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं जीवाणु के बारे में। जीवाणु के बारे में पहला नंबर तो ये थैलोफाइटा के अंतर्गत है। दूसरा, जीवाणु क्या है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, किसके अंदर पढ़ रहे हैं, पादप जगत में पढ़ रहे हैं, पादप जगत के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, क्या है जीवाणु, एक तरह का क्या है, पौधा है। तो जीवाणु क्या है, पौधा है। पौधा क्यों है ये मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में। पौधा इसलिए है क्योंकि जो जीवाणु का जो बाहरी आवरण होता है कोशिका का, वो किसका बना होता है, कोशिका भित्ति कहलाती है। वो कोशिका भित्ति होती है जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। तो बैक्टीरिया जो होता है, इसका जो कोशिका होती है, इसका बाहरी आवरण जो होता है वो बना होता है हमारा कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति जो है वो क्या है, सेल्यूलोज का। तो सेल्यूलोज का ये है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, जीवाणु को हमें पादप जगत में पढ़ते हैं, क्योंकि पौधे में जो कोशिका होती है उसे क्या होती है, कोशिका भित्ति कहते हैं बाहरी आवरण, जो कि क्या होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक। अब यहाँ पर देख ले जो हमारा प्रश्न आता है फैक्ट के रूप में जो आता है, जिससे हमें याद रखने की, मेमोराइज करने की जरूरत है, वो है कि जो जीवाणु है उसकी, उसको, उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, उसका पता किसने लगाया था, ठीक है। तो जीवाणु का सर्वप्रथम पता हमारा किसने लगाया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इसका पता लगाया था। तो पता लगाया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन इसका नामकरण एरन वर्ग ने किया था। एरन वर्ग ने इसका नामकरण किया था, दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक और एरन वर्ग। लेकिन अब यही जीवाणुओं से संबंधित जो है किण्वन की प्रक्रिया, किण्वन क्या, फर्मेंटेशन इंग्लिश बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। किण्वन में क्या होते हैं, जीवाणु जो होते हैं अनाक्सीकरण की क्रिया करते हैं। अनाक्सी क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया कहलाती है अनाक्सी श्वसन, ठीक है। तो अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी मतलब आप, अनाक्सी मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है। तो अनाक्सी श्वसन क्रिया जब ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो ऐसी ऐसी क्रिया इसमें ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, क्या हो, ग्लूकोज का जारण हो। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका जारण हो बिना ऑक्सीजन के, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। तो फर्मेंटेशन है, और फर्मेंटेशन की क्रिया सर्वाधिक कहाँ देखी जाती है, ये सिरका उद्योग में या अल्कोहल बनाने के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो सिरका उद्योग या अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट हमारा क्या है, एक तरह का क्या है, कवक होता है। ईस्ट भी हमारा क्या, किण्वन प्रक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है, लेकिन वो कवक है। लेकिन यहाँ जीवाणु की बात करें तो जीवाणु जो अनाक्सी क्रिया करते हैं, अनाक्सी श्वसन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता, वहां पर किण्वन की क्रिया देखी जा सकती है। इसके बारे में बताया किसने था, तो लुई पाश्चर साहब ने बनाया था, बताया था इसके बारे में, लुई पाश्चर। तो फर्मेंटेशन के बारे में किसने बताया, लुई पाश्चर ने बनाया, बताया, ठीक है। तो इस तरह से तीन व्यक्ति मिल गए आपको यहाँ पर जीवाणु से संबंधित। तो जीवाणु जो फर्मेंटेशन की क्रिया में भाग लेते हैं, इस बारे में बताया लुई पाश्चर ने, नामकरण एरन वर्ग ने, और सर्वप्रथम पता किसने लगाया जीवाणु के बारे में, वो थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जीवाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति, अब रोगों की उत्पत्ति कॉलरा वगैरह जीवाणुओं से होता है, ठीक है, टीबी क्षय रोग, ठीक है। तो ये सब चीजें किससे होती है, जो रोग होते हैं वो होते हैं जीवाणुओं से। इस बारे में किस व्यक्ति ने बताया था, किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो वो थे रॉबर्ट कोच। कौन थे, रॉबर्ट कोच। तो अगर पूछा जाए प्रश्न कि जीवाणुओं से संबंधित, जीवाणुओं के आधुनिक पिता का क्या नाम है, तो रॉबर्ट कोच है। और सिर्फ जीवाणुओं से संबंधित जीवाणुओं के जनक किसे कहा जाता है, तो उसे आप कहेंगे क्या, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो दो आधुनिक पिता के रूप में रॉबर्ट कोच को जाना जाता है, और सिर्फ जनक के रूप में
एंटोनी वॉन लेवेनहॉक को जाना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने खोजा था। तो ये चार व्यक्ति हैं, चारों के इन्हीं से प्रश्न घुमा के पूछा जाता है ये कि कभी सर्वप्रथम का नामकरण किसने किया। किण्वन भी हमारा क्या जीवाणु संबंधित है, तो इस बारे में बताया किसने, तो लुई पाश्चर साहब ने बताया। तो इस तरह से ये प्रश्न आ जाते हैं फैक्ट के रूप में। अब जरा आते हैं इसकी संरचना के बारे में पढ़ लें, जीवाणुओं की संरचना। तो जीवाणुओं की संरचना क्या है, मैंने यहाँ बताया कि इसको पादप जगह में पढ़ते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो पहली संरचना की कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति में क्या है, सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है, ठीक है। और चूंकि हम जीवाणुओं को प्रोकैरियोटी के अंतर्गत पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत पढ़ते हैं, एक कोश के जीव है, तो एक कोश के जीव है, तो हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक में जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं, मतलब कि कोशिकांग जो होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, कोशिकांग नहीं पाए जाते जो कि यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, जैसे कि केंद्रक। केंद्रक में विकसित नहीं होता, या तो बिल्कुल नहीं पाया जाता, तो विकसित नहीं होता है, लवक मतलब प्लास्टिड, जैसे क्लोरोफिल से हम लोग कह रहे हैं, तो क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल की जगह पे कुछ और पाया जाता है, ठीक है। अभी इसको भी जान लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है, जिससे हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। सभी जीवों में, सभी जो उच्च कोटि के जीव होते हैं जिसे हम लोग यूकैरियोटिक के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं, और जिससे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है, ठीक है, इससे जीवित रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाल्जी का है, गाल्जी बॉडी इसमें, और अंतःप्रत द्विजालिका नहीं पाई जाती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें नहीं पाया जाता। तो ये सभी जो सेल ऑर्गन्स हैं, केंद्रक, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, अंतःप्रत द्विजालिका, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक में तो पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाती पाई जाती है, जो कि क्या है, जीवाणु क्या है, तरह का प्रोकैरियोटिक जीव है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जीव द्रव्य कला वलित होकर मध्यकाय यानी कि मीसोसोम बनाती है। अब देखिए प्रश्न जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो यहीं से संबंधित है। इसमें क्या है, मीसोसोम बनाती है कौन, जीव द्रव्य कला, जो आपका जीवाणु है, ये हम छोटा सा स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देते हैं आप लोग को, ये है जीवाणु, मान लीजिए ये जीवाणु है, ठीक है, जीवाणु है ये, ठीक है। तो जीवाणु में क्या होता है, जो ये अंदर की तरफ, और बाहर में से क्या बोलते हैं, कोशिका कला बोलते हैं, ये क्या होती है, कोशिका कला कहलाती है। और जो ये वलित होकर कहते हैं जीव द्रव्य कला, मतलब कि इसमें जीव द्रव्य भरा हुआ है, जीव द्रव्य क्या है, भरा है, इसमें जो भी जीवाणु संबंधित कोशिकांग है वो पाए जाते होंगे, लेकिन ये नहीं पाए जाते हैं, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, केंद्रक, अंतःप्रत्द्विजालिका नहीं पाई जाती, लेकिन जो भी पाए जाते हैं वो इस जीव द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो जीव द्रव्य कला है, ये जो है, ये पोर्शन जो है, अंदर का आवरण जो है, ये क्या होता है, वलित हो जाता है, मुड़ जाता है, और वलित होकर क्या बनाता है, मीसोसोम का निर्माण करता है, मध्यकाय का निर्माण करता है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसमें इस तरह से क्या होगा, इस तरह करके ये बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे मुड़कर बन जाएगा। और ये क्या कार्य कर रहा है, अब ये इसका काम क्या है, इसको बताने का आशय ये है कि जो मैंने कहा अभी आपको कि सभी यूकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि श्वसन क्रिया करते हैं, उससे ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ये जो जीव द्रव्य कला है, जो कि किसमें पाई जा रही है, जीवाणुओं में वलित होकर मध्यकाय का निर्माण कर रही, ये वो काम करता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया करता है, यानी कि श्वसन क्रिया जीवाणुओं में किसके माध्यम से होती है, तो किसके माध्यम से होगी, मीसोसोम्स के माध्यम से होती है, मध्यकाय के माध्यम से होती है, जो कि जीव द्रव्य कला का वलित रूप होता हुआ, मुड़ा हुआ रूप होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा। अब देखिए इसी पर क्या होते हैं, श्वसन एंजाइम होते हैं, तो वही श्वसन एंजाइम जो कि श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। तो प्रश्न है आपका कि जब यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो एनर्जी का निर्माण होता है, जिससे वो जीवित रहते हैं उसी एनर्जी के माध्यम से। प्रोकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो वो कैसे श्वसन क्रिया करते हैं, तो मीसोसोम्स के माध्यम से करते हैं, जिससे वो एनर्जी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, करते दोनों ही है एनर्जी, बिना एनर्जी के जीवित रह नहीं सकते, तो श्वसन तो होता ही होगा उसमें भी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, मीसोसोम्स करता है। फिर आइए
प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में हरित लवक के स्थान पर, मैंने कहा कि जीवाणुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है, मतलब कि लवक नहीं है, मतलब कि क्लोरोफिल नहीं है, तो कुछ तो पाया जाता होगा जो कि प्रकाश संश्लेषण करते जो जीवाणु, तो जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो कुछ तो पाया जाता होगा, तो वो क्या है उससे हम लोग बोलते हैं लैमेला। तो लैमेला नामक संरचना पाई जाती है जो कि क्या थैलेकाइड्स में पाए जाते हैं, तो थैलेकाइड्स आ सकता है या लैमेला भी आ सकता है, तो लैमेला रचना वाले थैलेकाइड्स में पाए जाते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। उच्च कोटि के जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, हरित लवक क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, लेकिन जो जीवाणु होते हैं उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, तो पाया क्या जाता है, लैमेला की संरचना पाई जाती है जो कि थैलेकाइड्स कहलाती है। ठीक, अब आएंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें जनन क्रिया कैसे होती है। तो सामान्यता जनन क्रिया कैसे होती है जीवाणुओं में, बाइनरी फिजन के रूप में होती है, द्विभाजन के रूप में होती है। हमने बताया है कि जो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, चाहे वो जंतुओं की बात करें या पौधों की बात करें, तो ज्यादातर में क्या होता है, द्विभाजन पाया जाता है, मतलब कि उनकी कोशिका क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि उसमें एक प्रकार क्या पाया जाता है, आसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो सामान्यता है इनमें जनन द्विभाजन मतलब बाइनरी फिजन द्वारा होता है, जो कि एक प्रकार में क्या होता है, आसूत्री विभाजन होता है। तो आसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक जीवों में, और प्रोकैरियोटिक जीव क्या है, हमारे जीवाणु एक तरह का क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव है। उसके बाद हमें हल्का देख लेंगे जीवाणुओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जीवाणुओं के प्रकार है, बैसिलस प्रकार के, कोकस प्रकार के, विब्रियो प्रकार के और स्पाइरिलम प्रकार के, चार प्रकार के ये मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, जो प्रश्न आपका रहता है, बैसिलस जो होता है ये होता है क्या, ये देखिए छड़ के आकार के होते हैं, आप डायग्राम देख सकते हैं हल्का सा, बैसिलस जो होते हैं छड़ के आकार के होते हैं। कोकस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो गोल होते हैं, गोल शेप में होते हैं, पत्ताकार होते हैं। और जो विब्रियो टाइप के जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कोमा के शेप में होते हैं, आप लोग कोमा बनाते हैं ऐसे करके, तो ये कोमा का शेप इस तरह से पाया जाएगा। और जो स्पाइरलम होता है स्पाइरल की तरह, इस स्पाइरल बाइंडिंग हम लोग करते हैं इस तरह से, स्पाइरल की तरह देखिए इसका शेप, तो जैसा इसका आकार है उसी आकार के आधार पे जीवाणुओं के प्रकार को बताया गया है। तो बैसिलस मतलब छड़ के आकार का, कोकस मतलब वृत्ताकार है, विब्रियो यानी कोमा के शेप में है, और स्पाइरलम स्पाइरल की तरह है। उसके बाद अब यहाँ देख लेते हैं जीवाणु का अपना महत्व होता है, जीवाणु का महत्व क्या क्या होता है, तो ये देख ले हम लोग देखें कि जिस तरह से शैवाल का प्रयोग हम लोग क्या करते थे कृषि में करते थे, उसी प्रकार से जीवाणुओं का प्रयोग भी कृषि में कैसे किया जाता है। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि शैवाल का प्रयोग जो नौष्टा को है ना, बिना हमारा शैवाल होता है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से जीवाणुओं का प्रयोग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में किया जा सकता है। और कुछ पौधों में ये पाए जाते हैं, जैसे देख ले नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब कि 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, जो कि उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट पौधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में कैसे ग्रहण करेंगे, पहले तो उसका कन्वर्जन होगा, और कन्वर्जन कई स्टेप में होता है, और वो कई स्टेप में कन्वर्जन जो होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, तो जीवाणु पार्टिसिपेट करते हैं। तो किस किस प्रकार के जीवाणु पार्टिसिपेट करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। जो 78% जो नाइट्रोजन है उसको क्या कहते हैं, अमोनिया के रूप में क्या करें, स्थिरीकरण किया जाता है। तो वो किस प्रकार के जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में हमारी मृदा में फिक्स्ड करते हैं, स्थिरीकरण उसका करते हैं, तो वो क्या होता है, राइजोबियम प्रकार के जीवाणु होते हैं, जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन लेगुमिनेसी कुल के पौधों में पाए जाते हैं। लेगुमिनेसी कुल के पौधे कैसे होते हैं, वो होते हैं दलहनी प्रकार के। तो दलहनी प्रकार की जितनी फसलें पाई जाती हैं उन सभी में जो जड़ें होंगी उसमें गांठें पाई जाती हैं, और उन गांठों में लेग हीमोग्लोबिन नामक क्या होता है, वर्णक होता है, उसके अंदर ये राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होते हैं उसका क्या कर देते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं, ठीक है, अमोनिया के रूप में। ठीक है,
और भी कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अमोनिया के रूप में स्थिरीकरण करते हैं नाइट्रोजन का, जैसे कि जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रिडियम। एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रिडियम जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अब तो मैंने ये बताया कि जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन अभी तक जो हुआ राइजोबियम ने या एजोटोबैक्टर या क्लास्ट्रिडियम प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उन्होंने नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में क्या क्या स्थिरीकृत किया है, लेकिन अभी तो नाइट्रेट बना नहीं है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि कौन से जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, तो ऐसे जीवाणु को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक कारक जीवाणु। तो नाइट्रिक कारक जीवाणु जो होते हैं, जैसे अमोनिया को पहले नाइट्रेट में, अब अमोनिया फिक्सेशन हो गया मृदा में, किसने किया, क्लास्ट्रिडियम एजोटोबैक्टर या राइजोबियम ने किया, लेकिन उसके बाद अमोनिया को नाइट्राइट NO2 में बदलेगा कौन, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस प्रकार के जीवाणु जो होते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते ना कि नाइट्रेट में, तो उनका नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आया है परीक्षा में आता रहता है वो नाइट्रोसोमोनास है। नाइट्रोसोमोनास प्रकार के जीवाणु जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं। फिर उसके बाद नाइट्राइट को क्या करते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं कौन, नाइट्रोबैक्टर प्रकार के जीवाणु। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं नाइट्रोबैक्टर प्रकार के जीवाणु क्या कर देते हैं, नाइट्रेट बदलते हैं और पौधे क्या करते हैं इसी नाइट्रेट को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और इससे अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। उसके बाद अब देख लेते हैं और कहां प्रयोग करते हैं, डेयरी उद्योग में। डेयरी उद्योग में हम जानते हैं कि जो दूध होता है उसमें पाया जाने वाला जीवाणु क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। आप देखिए इसमें दो प्रकार के जीवाणु हैं, एक तो कोकस प्रकार का, एक तो बैसिलस प्रकार का, और ये दोनों ही प्रकार के जीव जीवाणु होते हैं वो दूध में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर बैसिलस जो छड़ के आकार के, कोकस जो जो क्या है वृत्ताकार है, मतलब गोल है, ठीक है। तो दोनों प्रकार के जीवाणु हमारे दूध में पाए जाते हैं, इनका काम क्या है, ये क्या कर देते हैं कि दूध की जो प्रोटीन होती है उसका नाम क्या है, केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन जिसके कारण, केसीन प्रोटीन के कारण दूध हमारा क्या होता है, सफेद होता है, ठीक है। तो इस केसीन प्रोटीन को छोटी छोटी क्या बूंदों के रूप में तोड़ देते हैं जिससे वो दूध क्या बन जाता है, दही बन जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी जीवाणु है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं, और कैसे होता है, केसीन प्रोटीन को तोड़ देते हैं छोटी छोटी बूंदों के रूप में, ठीक है। इसके अलावा जो जीवाणु का उपयोग करते हैं वेनेगर उद्योग में भी किया जाता है, वेनेगर मतलब कि सिरका उद्योग में भी किया जाता है, और उसका नाम क्या है, जीवाणु का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी नाम के जीवाणु, सिरका उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न और देख लेते हैं जो आपको बहुत तैयार करना है, वो क्या है हमारा कि खाद विषाक्तता। खाद विषाक्तता ये होता है कि जो भोजन हमारा खराब हो जाता है, और कुछ लोग अक्सर आप सुनते होंगे कि भोजन क्या हो गया कि फूड पॉइजनिंग हो गई, तो फूड पॉइजनिंग के कारण क्या हो गया कि तबीयत खराब हो गई। तो फूड पॉइजनिंग क्या हो जाता है कि बहुत लंबे समय तक क्या होता है, खाना ऐसे रखा रह जाता है और खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। खाद्य पदार्थ किसी प्रति, खासकर ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती हो, ठीक है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है वो क्या हो जाते हैं, खाद्य विषाक्तता का शिकार हो जाते हैं ऐसे खाद्य भोजन। तो उसमें किस प्रकार के जीवाणु क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं इस तरह के नुकसान के लिए, तो उसका नाम क्या है, क्लास्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लास्ट्रिडियम बोटुलिनम खाद्य विषाक्तता के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब कि भोज्य पदार्थों को खराब कर देते हैं, और इसको जो लोग ग्रहण कर लेते हैं उनकी क्या हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। तो ये हमारा क्या है, ये आज तक का हमारा फुल टॉपिक था। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके जीवाणु संबंधित सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, चाहे वो IAS का प्रश्न पत्र हो चाहे वो PCS का प्रश्न पत्र हो। अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोगों ने एक टॉपिक इसलिए हम लोग देख रहे हैं, जाने आप लोग इससे आपको कोई भी प्रश्न छूटे ना।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।